sit down. Thank you, auntie. हम लोग अपने पिछला लेसन कार्बन और उसके यौगिक इसी को आज आगे बढ़ाएंगे और अभी तक हम लोगों ने क्या क्या इसके बारे में पढ़ा है मैं आपको थोड़ा सा फिर से बताती हूँ. हम लोगों ने कार्बन के रूप पढ़े थे. कार्बन कितने रूपों में पाया जाता है? दो रूपों में पाया जाता है. कौन से दो रूप? एंटी क्रिस्टलीय और एंटी अक्रिस्टलीय. पहला क्रिस्टलीय सिट डाउन. जो क्रिस्टलीय रूप था वो कौन सा रूप था? ग्रेफाइट और हीरा. ग्रेफाइट सब जानते हैं कहाँ होता है? पेंसिल की नोक में. और हीरा जो हमारे गहनों में चमकता हुआ पत्थर लगाया जाता उसको हम लोग हीरा. इसके बारे में हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं. अच्छा, हम लोगों ने कार्बन के बारे में ये भी जाना था कि कार्बन दो तरह से हमारे प्रकृति में पाया जाता है. एक है मुक्त रूप में, मतलब खुली अवस्था में फ्री, और एक है संयुक्त या यौगिक. मतलब जैसे कि अगर ये चौक है, ये क्या है? चौक. अगर मैं कहूँ कि इसमें कार्बन है तो क्या है? क्या इसमें कार्बन है? है? कार्बन है, पक्की बात. अगर मैं कहूँ कि ये किताब है, इसमें कार्बन है, है? क्या इस बॉक्स में कार्बन है? है? पक्की बात. हाँ. तो इसका मतलब क्या है कि चाहे वो सजीव, अब जैसे मैं कहूँ मैं सजीव हूँ ना, मेरे अंदर कार्बन है, है? अगर मेरी उंगली जल जाए तो जो चीज जलने पर कालापन छोड़ती है उसमें कार्बन होता है. लेकिन ये चौक है, चौक तो सफेद है, लेकिन क्या इसमें कार्बन है? पक्की बात ना. अच्छा, कार्बन का फॉर्मूला क्या है? ओ, कार्बन नहीं, इस चौक का फॉर्मूला, इसको रसायन की भाषा में क्या कहते हैं? रसायन की भाषा में इस चौक का क्या नाम है? कैल्शियम. लिख के दिखाओ, पहले उसका नाम लिखो. कैल्शियम कार्बोनेट. हाँ. कैल्शियम कार्बोनेट. हाँ, फॉर्मूला लिखो. वेरी गुड दिव्या, थैंक यू. कैल्शियम, कैल्शियम सीए कार्बोनेट CO3. इसमें ये चीज क्या है? कार्बन. मतलब ये कार्बन का यौगिक है. क्या है? ऐसे कई कार्बन के यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन होता है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं, मतलब काले रूप में दिखाई नहीं देता. लेकिन कुछ कार्बन ऐसे होते हैं जो हमें डायरेक्ट दिखाई देते हैं, जैसे कोयला. क्योंकि ये हमारे हाथ पे काला निशान छोड़ रहा है. अगर मैं कागज को जला दूं तो भी काला है ना, होगा ना. अच्छा, अब हम क्रिस्टलीय रूप जान गए. आज हम क्या पढ़ेंगे? आज अब अपने टॉपिक पर आ जाते हैं. आज हमारा लेसन का नाम है अक्रिस्टलीय कार्बन का अपर रूप. इसमें अक्रिस्टलीय जो होते हैं ये चार तरह के होते हैं. कितने तरह के? कितने तरह के हैं? उसमें सबसे पहला लकड़ी का कोयला. दूसरा जंतु
अब सब बच्चे ध्यान से सुनिए, अक्रिस्टलीय। अक्रिस्टलीय का अर्थ होता है जिसमें परमाणुओं की संरचना निश्चित नहीं होती। आप लोगों ने ग्रेफाइट का चित्र याद किया? कोई बना के लाया है? ग्रेफाइट का चित्र मैंने बताया था कि कैसे बनता है, फिर से एक बार याद कर लें। सबको याद आया? सबको याद आ गया? ये किसका चित्र है? ग्रेफाइट के एक परमाणु, एक अणु है ना, एक अणु में इस तरह से परमाणु जुड़े होते हैं। मतलब इसकी एक निश्चित आकृति है कि छह हैं और छह ऐसे षटकोण की स्थिति में जुड़ते हैं। और जो डायमंड था, जो हीरा था, उसमें क्या होता था? गुत्थम गुत्था होते हैं उनमें भी, लेकिन एक निश्चित होता है कि चारों परमाणु, जो कार्बन की संयोजकताएं चार दूसरे कार्बन के परमाणुओं से जुड़ी होती है। लेकिन जो आज हम पढ़ रहे हैं अक्रिस्टलीय, ये शब्द हमने अ लगाया ना, वो था क्रिस्टलीय, ये है अक्रिस्टलीय। उसमें क्या होता है कि जो ये परमाणु की एक निश्चित जो अवस्था होती है, व्यवस्था, वो नहीं होती। वो कैसे भी हो सकता है, मतलब कार्बन का परमाणु कहीं पर भी दूसरे कार्बन के परमाणु से किसी भी परिस्थिति में जुड़ सकता है। अब मैं इसका छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताऊं। ये आपकी क्लासरूम है, अब आप लोग एक निश्चित क्रम में बैठे हो ना, एक टेबल दो कुर्सी, एक टेबल दो कुर्सी है ना, और हमने तीन रोज में कर रखा है। तो हम अगर सोचें थोड़ा सा तो ये क्रिस्टलीय फॉर्म हो गया ना, क्योंकि इसमें निश्चित है ना कि दो कुर्सियां होंगी, दो बच्चे बैठेंगे, फिर टेबल आएगी। इसी तरह से ग्रेफाइट में ऐसा होता था कि एक परमाणु उसकी संयोजकता, फिर दूसरा परमाणु उसकी संयोजकता है ना, और ये षटकोणी बनाता है। ऐसा नहीं है कि अलग ही शेप बना लेगा, और ये त्रिविमीय बनाता है। लेकिन ये जितने भी हम पढ़ेंगे इसमें ऐसा नहीं होता, समझ गए? इसमें ऐसा नहीं होता। अब आप ये पहला पढ़िए, क्या है? लकड़ी का कोयला। जो लकड़ी का कोयला है, ये सब जानते हैं कैसे बनता है? एक मिनट, सब लोग सोचो इसका नाम क्या है? कोयला। लेकिन लकड़ी का कोयला, लेकिन लकड़ी का काष्ठ का या लकड़ी का, तो ये बना कैसे? ये तो लकड़ी थी ना? नहीं, और शांति बताओ तुम। लकड़ी को जलाने से, अच्छा, लकड़ी को जलाने से तो राख बन जाती है, ये ऐसे कैसे बन गया? पानी डाल देंगे। अच्छा एक मिनट रंजना, आप तुम बताओ थोड़ा सा, शांति बैठो। एक लकड़ी लेंगे, उसको सुलगाएंगे, मतलब आग लगाएंगे, फिर जब उसमें लपटें उठने लगेंगी तो उसका रंग लकड़ी का कैसा हो जाएगा? काला। उसको राख बनने से पहले अगर आप पानी डाल दो तो वो चटक के कोयला। ये तो तुमने घर में देखा है, लेकिन क्या जो बाजार में भी ऐसे ही बनता है, कोई बता सकता है? बताओ, अगर आता है तो बताओ, नहीं तो मैं बताऊंगी। अभी नहीं, खान से निकालते हैं, खान से निकालते हैं। वो पत्थर का कोयला होता है, वो लकड़ी का खान से नहीं निकलता। देखिए, गांवों में जो प्रचलित तरीका है, चिनाउन रंजना, एक गड्ढा खोदा जाता है, उसमें लकड़ी भरी जाती है और फिर उसको बंद कर दिया जाता है, और उसमें मिट्टी के तेल का कपड़ा भिगो के जला के अंदर डाल देते हैं, तो धीरे धीरे जलती रहती है लकड़ी। ऑक्सीजन कम मिल रही है ना, क्योंकि बंद है, तो ऑक्सीजन कम मिल रही है, तो जलन भी, जलना भी उसका कम है, और आखिर वो लकड़ी पूरी कोयले में बदल जाती है, समझे? फिर वो लोग उस गड्ढे को खोद के लकड़ी पूरी निकाल लेते हैं और वो कोयला बन जाए। जंतु चारकोल, इसको क्या कहते हैं? लकड़ी का कोयला। ये हम लोग जंतु पे नहीं पहुंचे, लकड़ी का कोयला, लकड़ी का कोयला इस तरह से बनता है। अच्छा, इसके क्या गुण हैं?
नहीं, देखने में काला है। काला और कठोर नहीं, कठोर नहीं है, मतलब टूट गया ना, मैंने तुम लोग से बोला तोड़ो, टूट गया आराम से, और इसको सारे बच्चे उठाकर देखो, छू के देखो कैसा है, देखो हल्का है ना, और ये पत्थर होता तो भारी होता ना, ये हल्का है। इसको दिखाने के लिए ये देखिए क्या है, बॉटल, बॉटल में पानी, और पानी में मैंने ये लकड़ी का कोयला एक तो पहले से डाल दिया है, तो वो तो देखो तैर ही रहा है, मैं और भी डाल देती हूँ, देखो वो भी तैर रहा है, समझ में आया, लकड़ी का कोयला पानी में डालने पर तैरता है, क्यों क्यों होता है ऐसा, इसमें छेद हैं, इसमें हवा भरी हुई है ना, तभी तो नाव बनती है ना लकड़ी की, लोहे की नाव क्यों नहीं बनती, वो भारी है वो डूब जाएगी, लकड़ी की नाव इसीलिए बनती है क्योंकि ये हल्का होता है और कोयला भी उसका हल्का, ये छिद्रदार होता है, इसको पोरस कहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ, और ये ऑक्सीजन की कम उपस्थिति में और मतलब मैंने वो कहा था ना कि जो गड्ढा करेंगे उसको बंद कर देंगे, अगर उसको खुला जलाएंगे तो राख बन जाएगी ना, कम ऑक्सीजन उसको कम मिलनी चाहिए तभी तो वो बनेगा, कम उपस्थिति में इसको जलाकर हम लोग कोयले में बदल देते हैं, ये हल्का होता है, पानी में तैरता है, इसमें लकड़ी के ही गुण हुए ना फिर तो, और इसका एक और उपयोग हम लोग करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, एक तो हम लोग इसको, अच्छा बताइए ये हमारा इस्तेमाल कहाँ होता है, प्रेस करते हैं और खाने में, खाना बनाने में, तो इन इसको इसको नाम बताओ क्या कहेंगे, ये उपयोग का एक नाम है, ये क्या इसका उपयोग क्या हुआ, नहीं समझ आया, जो चीज जलाने के काम आए वो ईंधन कहलाती है ना, जो जला के जिससे आग ऊष्मा उत्पन्न हो, हम लोग खाना बनाए प्रेस करें, वो ईंधन कहलाता है ना, तो ये ईंधन है, क्या ये ईंधन के रूप में इसका इस्तेमाल होता है, और इस ईंधन को हम लोग ज्यादातर प्रेस में, और जब बहुत जाड़ा होता है, जब बहुत जाड़ा होता है, सर्दियां होती है, तो हम लोग इसको आग तपाते हैं लकड़ी को जला के, तो कोयला भी तो तपाते हैं गंगीठी में, फिर इसके हाथ सेकते हैं, खाना बनता है इस, और एक और है जो पानी होता है ना उसको जल शोधन में, किसमें, जल को साफ करने में भी इसका इस्तेमाल होता है, किसमें, जल शोधन। अच्छा अब मुझे कौन बताएगा कि लकड़ी का कोयला की बनाने की विधि क्या थी, और भी बच्चे सबको आना चाहिए, सबको आना चाहिए, हाँ रुबैदा आप बताओ, केवल इसको आंचल को नहीं, सबको पढ़ाया मैंने, सबको याद हो जाना चाहिए, गड्ढा होते हैं, हाँ उसके अंदर लकड़ी रख देते हैं, हाँ गड्ढे को कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, छोटा सा आंसर है, कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं और इससे कोयला बनता है, आप लोग बड़े हो ना समझा करो आंसर को, कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाकर इसका कोयला बन जाता। अच्छा अब इसके बारे में सबको गुण पता चल गए, ये हल्का होता है, पानी में तैरता है, जलाने के काम आता है, ये ईंधन के काम आता है, जल शोधन के काम आता है, ठीक है, और अगर हम चाहें तो इसको हम प्रयोगशाला में भी बना सकते हैं, अपने लैब में, वो कैसे बनेगा, लैब में क्या गड्ढा खोदेंगे, क्या लैब को खोद डालेंगे, तो फिर सबने तो कहा यस आंटी, लेकिन कैसे बनेगा बेटा, तब क्या होता है, लकड़ी का बुरादा जानते हो, जो कारपेंटर लोग निकालते हैं, उसको हम एक कांच के ट्यूब में भर के और उसको कम उपस्थिति में जलाएंगे, और उसको बंद कर देंगे लैंप को थोड़ी देर जला के, तो काला पड़ जाएगा, बन गया कोयला लकड़ी का, कितना आसान है, ये तो आप लोग कर ही सकते हो घर में भी आराम से, बुरादा आजकल हर जगह मिल जाता है लकड़ी का, समझ गए, तो ये प्रयोगशाला में भी बन सकता है। अच्छा दूसरे पॉइंट पे आ जाओ, ये नाम पढ़ो, जंतु, जंतु क्या होते हैं,
जानवर। और चारकोल कोयला, इसको चारकोल भी तो कहते हैं, कोयले का नाम को चारकोल नहीं कहते हो? चारकोल कोयले को ही कहा जाता है। हाँ काश, हाँ चारकोल, कोयला मतलब चारकोल। अच्छा अब ये जंतु शब्द क्यों जुड़ा, कोई सोच के बताओ कि इसका नाम जंतु चारकोल क्यों है? हाँ वेरी गुड दिव्या, इसने बहुत सही सोचा, बताओ। हाँ इसमें क्या हुआ था, हमने किसको जलाया? लकड़ी है ना, ये पेड़ है ना। अब हमारा शरीर है, हमारे शरीर में क्या है? हड्डी। कहाँ है हड्डी? छुओ छुओ, है सबको है। जब हम लोग मर जाते हैं ना तो जला देते हैं ना, या जानवर भी जल जाते हैं ना, तो हड्डियाँ इधर उधर पड़ी रहती हैं। हाँ तो अगर उनको हम लोग कम मात्रा में ऑक्सीजन के जैसे उनको जलाएंगे तो वो राख नहीं, वो भी काली, क्योंकि कैल्शियम से ही तो बनी है, कैल्शियम कार्बोनेट से। हड्डी किससे बनी है? जैसे चौक है ना, दूध पीते हैं ना, हड्डियों को मजबूत करने के लिए दूध पीते हैं, क्योंकि दूध में कैल्शियम होता है और कैल्शियम कार्बोनेट से हमारे दांत और हड्डी बनती है। अगर इसको भी जलाएंगे ऑक्सीजन की कम मात्रा में तो उससे भी क्या बनेगा? कोयला बनेगा। समझ गए? और आप लोगों का शायद पहली बार पता चल रहा है कि हड्डी को जला के भी कोयला बन सकता है, और उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है जंतु चारकोल। और जंतु चारकोल जो हम लोग इसको जलाते हैं, इसको कहा जाता है, किस विधि से बनाया जाता है? जैसे इसमें तो हमने कम उपस्थिति बताई थी, इसका है भंजक आसवन। क्या कहते हैं? भंजक आसवन ये होता है कि आसवन आपने पढ़ा है ना, डिस्टिलेशन, पानी को गर्म करके भाप बनाते हैं और भाप को ठंडा करके और फिर उसका पानी बनाते हैं। भंजक होता है टुकड़े टुकड़ों में, मतलब तोड़ना, भंजक का अर्थ होता है तोड़ना, टुकड़ों टुकड़ों में उसका धीरे धीरे जलाकर उसका कोयला बनता है। समझ गए? अच्छा अब हमने इतनी मेहनत क्यों करी, हमने इससे कोयला क्यों बनाया, हड्डियों को जला के कोयला आखिर हमने क्यों बनाया? तभी तो बनाया जब इसका कहीं काम पड़ता होगा, जब कोई उपयोग होता है तभी तो हम लोग वो काम करते हैं ना। ज्यादातर बिना किसी फायदे के हम लोग जल्दी कोई काम नहीं करते ना, जब पता लगता है इसका कोई फायदा होने वाला है तो हम काम करते हैं। तो बताइए इसका क्या काम है, जंतु चारकोल हमारे किस काम आता है, जल्दी बताइए। आप लोगों ने चीनी खाई है? सब लोग किस में डालते हो? चाय में, मिठाई में। उसका रंग क्या होता है? सफेद दाने, चीनी के सफेद दाने होते हैं। अच्छा जमुना आप मुझे ये बताओ कि चीनी किससे बनती है? गन्ने से। गन्ने से क्या, गन्ने को पहले क्या किया जाता है? उगाया जाता है। नहीं नहीं, गन्ने को खेत से काट के फिर क्या करते हैं? रस्सा निकालते हैं ना, उसकी रस निकालते हैं, फिर उससे चीनी बनता है, गुड़ बनता है। तो गन्ने के रस का रंग कौन सा होता है? शीला बताओ। हल्का ग्रीन ग्रीन सा होता है ना, मटमैला सा हरा रंग, गंदा गंदा हरा रंग, अच्छा वाला हरा नहीं, गंदा वाला हरा। बैठो, अगर कभी गन्ने का रस पियो तो कैसा रंग दिखता है ना, हरा। उसको गर्म करें तो क्या होगा? नहीं नहीं, आखिरी में क्या बचेगा? चीनी। लेकिन उसका रंग सफेद होगा? नो, उसका रंग सफेद नहीं होगा, क्योंकि वो तो हरा था ना। तो जब उड़ जाएगा पानी तो पीछे हरा ही तो छोड़ेगा वो, मटमैला गंदा। अगर ऐसी चीनी मिले तो कोई खाएगा उसको? तो लोगों ने क्या सोचा, कुछ करना चाहिए, है ना। उन लोगों ने क्या किया, इस जंतु चारकोल का इस्तेमाल किया, इस गन्ने के रस को इससे छाना, चिड़ाऊ हड्डी के कोयले से, हड्डी के कोयले रख दिए छलनी में, उसमें गन्ने का रस डाला, थोड़ी देर के लिए पड़ा रहा, और जब नीचे निकला तो व्हाइट सफेद, जब वो छनके निकला तो बिल्कुल सफेद निकला, क्योंकि सारा रंग इसने सोख लिया। अब कुछ समझ आया? कुछ आया समझ? कि सब लोग कहते चीनी हड्डी से बनती है, कहते हैं ना लोग कि चीनी हड्डी से बनती है, चीनी हड्डी से नहीं बनती, उसे केवल छाना जाता है। इसीलिए इसको
विरंजक कहते हैं। क्या कहते हैं? विरंजक होता है मतलब रंग को चूस लेता है, जो रंग है ना गन्ने का उसको चूस लेता है। और चीनी झकाझक व्हाइट, देखा एकदम झकाझक आपकी चुन्नी की तरह व्हाइट। और पहले कैसी थी? बिल्कुल गंदी हरी। तो लोगों ने सोचा बेकार। तो जंतु चारकोल का ये तो कहानी नहीं है, आप लोग इसको कहानी समझ रहे हैं, ये हकीकत है। और जंतु चारकोल का इस्तेमाल आपकी किताब में लिखा है, देखो लिखा है, चीनी उद्योग में गन्ने के रस को रंगहीन करने में और फास्फोरस के यौगिक। गन्ने के रस को रंगहीन और ठीक है, सबको समझ आया? अब आगे बढ़े, कोई प्रॉब्लम? अब कोई ये तो नहीं कहेगा ना कि चीनी हड्डी से बनती है, केवल छानी जाती है, है? अब सबको बताओगे ना, आपने एक नई चीज समझी कि कैसे गन्ने का रस व्हाइट हो जाता है और उससे चीनी। आप लोग के दिमाग में ये कभी आया ही नहीं कि गन्ना तो हरा है तो चीनी व्हाइट कैसे हो गई, है ना? हम लोग साइंस पढ़ते हैं ना, तो विज्ञान में हमें बहुत सोचना चाहिए। हाँ, विज्ञान में बहुत सोचना चाहिए आखिर ऐसा क्यों हुआ। और आप लोग रोज मुझसे पूछ सकते हो कि आंटी ये चीज ऐसे क्यों होती। अब समझ गए? ठीक है, अब हम लोग आ गए तीसरे नंबर पे, शुगर चारकोल। अच्छा, अब शुगर का अर्थ कौन बताएगा? आप लोग सोचोगे आज तो आंटी चीनी के पीछे ही पड़ गई, है ना, क्योंकि शुगर ही तो अभी पढ़ाया ना, गन्ने का रस फिर शुगर आ गया। हाँ, शुगर चारकोल मतलब चारकोल कोयला, शुगर चीनी। अब आप बताओ कैसे बनेगा? चीनी का कोयला, वेरी गुड। लेकिन कैसे बनेगा? हाँ, चीनी को जलाते हैं बेटा, लेकिन हम चीनी को उस तरह से नहीं जलाते जैसा आप लोग सोच रहे हो। इसकी एक रासायनिक क्रिया होती है। हाँ, चीनी का किसी को फॉर्मूला आता है? एक मिनट नीलम खड़े के बोलो, सी कार्बन कितने? 12 H22 O11। एक चीनी के पर उसके अंदर मॉलिक्यूल में देखो कार्बन के 12 परमाणु, हाइड्रोजन के 22 और ऑक्सीजन के 11। आजकल चीनी बहुत महंगी हो गई है, 30 रुपए। हाँ, 30 रुपीस किलो हो गई है। अच्छा, अब ये क्या है? क्या है ये? चीनी। इसका फॉर्मूला बोलो सब लोग। अब अगर मैं इसके ऊपर गंधक का अम्ल H2SO4, ये कहलाता है जो तेजाब होता है जिसे टॉयलेट साफ करते हैं, बाथरूम साफ करते हैं, पीले रंग का तेजाब, अगर चीनी के ऊपर गिरा दे, चीनी का एक कटोरी ले, उसके ऊपर खूब स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब कंसंट्रेटेड एसिड अगर गिरा दें, तनु सांद्र गंधक का अम्ल, क्या कहते हैं? सांद्र गंधक, गंधक ये होता है एस सल्फर का अम्ल, अगर इसके ऊपर डाल दें तो कुछ ही देर में ये चीनी काली हो जाएगी और वो कोयले में खत्म। अब समझे आप? इसीलिए इसका नाम है शुगर चारकोल। क्या नाम है? शुगर चारकोल। अब आया समझ कि शुगर से बना है चीनी। अच्छा देखो, ये तो प्रूव्ड है ना कि कार्बन इतनी ज्यादा है 12, जब ये क्रिया करेगा तो जरूर कोयला बने। आई बात समझ? अच्छा, आपकी किताब में क्या है? इसको कैरामेल भी कहते हैं और ये अक्रिस्टलीय होता है। और इसमें क्या होता? अच्छा, अब इसके क्या बना ये तो बताइए। 12 बनेंगे कार्बन और 11 बनेगा वॉटर। क्या बनेगा? 12 बनेंगे कार्बन
12 कार्बन और प्लस वाटर को क्या कहते हैं? H2O. कितने पानी बनेंगे? लिखा है ना, 11 H2O. 11 हाइड्रो वाटर के मॉलिक्यूल और 12 कार्बन के परमाणु, और ये बन गया हमारा शुगर चारकोल. हालांकि इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी ये एक उसका अक्रिस्टलीय रूप होता है. जानते हैं? हाँ. आगे बढ़े. अच्छा, अब इसको हम लोग किस किधर इस्तेमाल करते हैं, किसके रूप में होता है इसका इस्तेमाल? अपचायक. किसके रूप में? अपचायक वो होते हैं जो किसी धातु को ऑक्सीडाइज कर देते हैं. मतलब अगर शुगर चारकोल के साथ अगर हम किसी धातु को जलाएंगे, धातु क्या होता है? सोना, चांदी, पीतल, ये सब नाम नहीं जानते हो, जिसको बजाने से आवाज आती है, जो बर्तन बनते हैं, एल्युमिनियम, इसको इसके साथ अगर हम क्रिया कराएंगे तो वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं. इसका अपचायक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है. धातुओं में ही होता है इसका, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल धातुओं में अपचायक के रूप में किया. अब इसके बाद वाला जो मैं आपको कराने जा रही हूँ, काजल या लैम्प प्लांट, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है. कितने लोग गांव में रहते हैं या गांव से आए हैं? कितने लोग गांव में रहते हैं या गांव के बारे में जानते हैं? कोई गांव के बारे में नहीं जानता. अच्छा, हमारे कितने गांवों में बिजली है? नहीं है ना, बहुत कम जगहों पे बिजली होती है. तो वो लोग रात को रोशनी करने के लिए क्या करते हैं? मिट्टी का दिया, मिट्टी का दिया जलाते हैं, और उसमें क्या डालते हैं? कोई सा भी तेल, चाहे वो सरसों हो, चाहे रिफाइंड हो, चाहे कोई कोई तो मिट्टी का तेल से भी जला लेते हैं, है ना. अच्छा, अब बेटा एक मिनट ही पंखा बंद करो. रुबैदा, ये पंखा भी बंद करो. और मैं आप लोग को बताती हूँ कि काजल या लैम्प ब्लैक कैसे बनता है. हाँ बेटा, इसको जलाओ. ये देखो दिया नहीं है, हम दिया नहीं लाए ना, हम तेल लाए, लेकिन ये मोमबत्ती है. इसका छोटा सा एक हम उदाहरण आपको बता रहे हैं. किसी के पास लोहे का बॉक्स है ना? हाँ, ये देखो, है क्या कुछ? कुछ नहीं ना. अब इसमें से लौ निकल रही है ना, लेकिन इसको ऑक्सीजन बहुत मिल रही है. क्यों मिल रही है? चारों तरफ ऑक्सीजन है. अगर मैं इसको ऐसे करूंगी ना, कम ऑक्सीजन है ना, ऐसे करके कम ऑक्सीजन दूंगी और इसके ऊपर ऐसे रख दूंगी, तो क्या होगा? हो जाएगा, पक्का होगा. आओ इधर. नहीं आप, हाँ रुको. इसके में से कुछ बेटा इधर. नहीं 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 है, ऑक्सीजन कम मिल रही थी ना. इसको ऑक्सीजन कम करनी है ना. कम मात्रा में जब मिलता तभी तो कोयला बनता है. कालक आने लगी, आने लगी. रुबैदा देखो, कालक आने लगी कि नहीं आई? आ गई, आ गई. अरे वाह, देखो हमने क्या बना डाला, क्या बना डाला. यही होता है लैम्प ब्लैक. ये क्या कहलाता है? लैम्प, मोमबत्ती, कैंडल, लैम्प है. और ये क्या है? ये क्या है? लैम्प ब्लैक. ठीक है, अब आ चल आप आओगे. अब इसको आप उंगली से, थोड़ा गर्म है ना, देखो गर्म है ना, नहीं है, इसको ऐसे निकालो. हाँ बस बस, हाँ अब ये देखो, ये क्या आया? इसका नाम क्या है? और कहाँ लगेगा? आँख में, है ना. आप लोग आँख में लगाते हो और ये इस तरीके से बनता है. हमारे गांव में जहाँ पर दिए होते हैं, दिए जलाए जाते हैं, लैंप जलाए जाते हैं ऑक्सीजन की कम मात्रा में, तो वहाँ पर
हम लोग इसको बनाते हैं और ये लोग खूब सारा बना लेते हैं, तब इसका काजल पेंसिल, ये क्या है, काजल की पेंसिल जो हम लोग आंखों में बड़ा सुंदर दिखने के लिए लाइनर लगाते हैं, है ना, ये छोटे बच्चे को नजर न लग जाए टीका लगाते हैं, है ना, ये इसके अंदर जो भरा है वो काजल है, है ना, इसको इकट्ठा करके डब्बी में भी भर सकते हैं। लोग घर का बना काजल आंखों में लगाते हैं, पर बेटा लगाया मत करो, बहुत अच्छी चीज नहीं होती है, मतलब ये आंखों में अगर छुटाओगे नहीं ना रात को सोने से पहले तो नुकसान भी करती है, ज्यादा नहीं लगाया करो, अच्छी चीज नहीं, बेटा बुझा दे उसको। अभी आपने देखा काजल का जो बना, इसका क्या बस खाली काजल आंखों के लिए बनता है बस, तो इसका कैसे इस्तेमाल होगा, टायर देखे, टायर कहाँ पे देखे, साइकिल में, वो इसी के बनते हैं, इसी के, ये इसी के बनते हैं, ये जो काजल है टायर इसी का बनता है, जो पैरों के नीचे के तलवे होते हैं ना अपने काले वाले वो भी इसका, जूते की पॉलिश की है कभी, करते हो पॉलिश शूज को, वो भी इसकी बनती है। अच्छा अब ये बताओ ये अपना क्या है, किताब है ना, इस किताब में काले रंग का कुछ छापा गया है ना, तो ये किससे छापा, स्याही, अब ये बॉल पेन है इसके अंदर स्याही, ये स्याही भी इसी लैम्प ब्लैक से। अच्छा आप जल्दी से मुझे इसके चार उपयोग जो मैंने अभी बताए थे बताओ, पहला उपयोग बेटा आप बताओ, पहला काजल का उपयोग क्या था, क्या चीज बनाई थी हमने काजल से, जल्दी से बोलो, नहीं जलाने के बाद मैंने चार उपयोग बताए ना अभी, तो पहली चीज मैंने क्या बनाई काजल से, लैम्प ब्लैक काजल बना, ठीक है, दूसरा टायर बने, तीसरा जूते की पॉलिश, चौथा शाही। अब आपका आज होमवर्क ये है कि ये चारों उदाहरण अपने कॉपी में लिखोगे और इनके उपयोग लिखकर लाओ। थैंक यू चिल्ड्रन।